मैं आमंत्रित कर रही हूँ गौरव भैया को। हम सभी उनका एक सत्र यहाँ पर सुनेंगे माइंडफुल लिविंग पर। गौरव भैया जी, मैं गौरव भैया को आमंत्रित करूं, तब तक उनका एक संक्षिप्त परिचय हम यहाँ पर उनके विषय में जानते हैं। अभा गौरव भैया आचार्य श्री से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर हथकरघा के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। हम जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करते हुए उनको सहर्ष आमंत्रित करते हैं। एक परिचय। गौरव भैया इज टीचिंग इन केंद्रीय विद्यालय मंडला फ्रॉम लास्ट टू इयर्स। ही हैज रिसीव्ड 3 गोल्ड मेडल्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ MP। ही इज MA इन संस्कृत एंड यूनिवर्सिटी टॉपर। He is also gold medalist in Rani Durgavati Vishwavidyalaya in 2014. Currently, he is managing member of Shramdan Handloom Hatkarga. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत है ब्रह्मचारी गौरव भैया जी। सभी लोग हाथों को जोड़ लेंगे। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा कर करुणा करो वहीं से दो आशीष। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री 108 क्षमा सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री 108 समय सागर जी महाराज की। सभी मंचों पर बोलना और युवाओं के बीच बोलना, इन दोनों में बहुत अंतर है। अंतर इतना था कि मैं मंगलाचरण भी भूल गया, जो दिन भर बोलता रहता हूँ। बंधुओं, बहुत नाम सुना था, यंग जैन अवार्ड भारत का, जैन समाज का एक बहुत अच्छा आयोजन होता है, क्योंकि साथ में जितने भाई लोग हैं, कोई IIT BHU का गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई IIT दिल्ली का गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई खेल के क्षेत्र में नेशनल इंटरनेशनल लेवल का गोल्ड मेडलिस्ट है, तो सब लोग कहीं ना कहीं इस अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। तो नाम बहुत सुना हुआ था और पहली बार साक्षात्कार करने का सौभाग्य मिला। जैन समाज की बहुत सारी सभाएं देखी हैं, सुनी हैं, लेकिन एक विशेष सभा, महाराज जी अभी प्रवचन में कह रहे थे कि स्वच्छता रखो। अधिकतर महाराज जी के प्रवचन बस सुने जाते हैं और 5% 10% लोग अंगीकार कर लेते हैं, लेकिन जब महाराज जी कह रहे थे उससे पहले ही मैंने देखा एक पुस्तक का विमोचन हुआ। वो पुस्तक के विमोचन के समय एक रैपर नीचे गिर गया, आपने ध्यान दिया हो नहीं दिया हो। एक बहन वहां से आई, हाथ में एक पॉकेट था, वो रैपर उठाए 2-3 और निकल गई। देखो, महाराज जी का बोलना और आप सभी का आत्मसात करना ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने कहा हो सकता था एक पेड वर्कर रख लेते कि भाई तुम कचरा साफ कर लेना। कई लोग कहते हैं जैन समाज के व्यवस्थित आयोजन नहीं होते, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा उन तक समाचार पहुंचाना कि एक बार इस जैन यंग अवार्ड का आयोजन अवश्य देखें। मुझे जिस लिए आमंत्रित किया गया, भाव किस लिए था कि चित्र दोनों सामने हैं, चित्र दोनों सामने हैं, लेकिन महान आत्माएं इस धरा पर अभी नहीं है। इसलिए मन, जब महाराज जी बोल भी रहे थे अंतिम समय में, जब जबलपुर में महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत खराब था, तो उस समय में उस कमरे में अकेले बैठने का भी सौभाग्य मुझे मिला था, महाराज जी की सेवा करने का सौभाग्य मिला था, तो एक अंदर से पीड़ा थी। तो आज समूह के सभी भाइयों ने मुझे कहा कि आप जाकर के इस जैन यंग अवार्ड में जितने भी अपने भाई बहन आएंगे उन सभी को
गुरु जी के कुछ पहलुओं से परिचित कराना है। हो सकता है बहुत सारे पहलुओं से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन बंधुओं जिस व्यक्तित्व के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो व्यक्तित्व सामान्य तो था ही नहीं। आप 17 फरवरी जब उनकी समाधि हुई और समाधि के बाद जैसे ही सूचना पूरे देश में फैली, देश में फैलने के बाद किसी भी क्षेत्र का सबसे बड़ा पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, सबने आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी के बारे में कुछ ना कुछ तो कहा। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, उनके मुख्य लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। और बंधुओं आज के समय में इस देश का अगर कोई मुख्य व्यक्ति या प्रतिनिधि देखा जाए तो है देश के प्रधानमंत्री। मैं इस अपेक्षा से नहीं कह रहा कि वो बीजेपी के हैं और बहुत अच्छे हैं, मैं इस अपेक्षा से कह रहा हूं कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठने वाला व्यक्ति जब आचार्य भगवंत की उस श्रद्धा सुमन को अर्पित करता है तो वो कहता है कि आज मेरे मार्गदर्शक चले गए। हो सकता है कह सकते थे कि एक संत चले गए, ये भी कह सकते थे कि दिगंबर संप्रदाय के सबसे बड़े संत चले गए, लेकिन उनने कहा आज मेरा मार्गदर्शक मैं खो चुका हूं। उन्हें कहा भी स्पष्ट रूप से कि अगर कोई भी समस्या मुझे समझ में आती थी तो भले ही वे दूर रहते थे लेकिन 24 घंटे के अंदर मुझे सटीक समाधान प्राप्त हो जाता था। और बंधुओं जब उनको और सुना तो उन्हें एक बात कही कि मैं जानता हूं और मैंने अतीत में पढ़ा है कि बड़े बड़े राजाओं का जब राज दरबार होता था तो उस राज दरबार में जब बहुत बड़ी संकट आ जाती थी तो एक राजगुरु होते थे। क्या होते थे? जो राजा को भी मार्गदर्शन देते थे। मैंने अपने जीवन में पहला राजगुरु देखा है तो इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती। अब मैं उन बिंदुओं पर लाना चाहता हूं कि इतना बड़ा, इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति तो किन कारणों से उनको अपना मार्गदर्शक, किन कारणों से उनको अपना राजगुरु, किन कारणों से उनको इतना महत्व दे रहा है। और कोई भी आए, आचार्य महाराज एक बात अवश्य करते थे, चाहे वो कुंडल पर की धरा पर कोई व्यक्ति आ जाए, चाहे किसी भी क्षेत्र पे आ जाए और किसी भी प्रदेश का आ जाए, लेकिन वो प्रदेश की बात बाद में करते थे, सबसे पहले देश की बात करते थे। इस परिसर में अगर कोई व्यक्तित्व आया है तो उन्हें कुंडलपुर में क्या विकास होना चाहिए ये उनकी बीच में चर्चा नहीं होती थी। उनकी चर्चा होती थी कि देश का विकास कैसे होना चाहिए। तो कुछ मौलिक चिंतन, जिन चिंतनों का हमें एक विचार विमर्श, आज हम बैठे हैं सब अलग अलग फील्ड के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपना प्रदर्शन किया है, आप अलग अलग भिन्न क्षेत्रों में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ बैठ करके चिंतन करने का सौभाग्य आज हमें मिला है। तो गुरु जी के उन बिंदुओं पर हमें चिंतन करना चाहिए। गुरु जी कुछ चीजें ऐसा प्रस्तुत देते थे कि ऐसा लगता था कि बस जो गुरु जी बोल रहे हैं वो अब हमें करते चले जाना है। जैसे एक गुरु जी का हमेशा कहते थे कि इंडिया नहीं भारत बोलो। क्या कहते थे? इंडिया नहीं। हो सकता सामान्य व्यक्ति उसको एक नारा समझ के घर ले जाए कि हाँ बस इतना बोलना, अपने दरवाजे के ऊपर लिख लेना इंडिया नहीं भारत बोलो, हो गया। लेकिन गुरु जी का जो विस्तृत भाव था उस भाव को पकड़ना, गुरु जी की जो कल्पना थी उस कल्पना को साकार करना अगर वो चाहते थे विशेष रूप से, वो अपेक्षा करते थे कि अगर विशेष रूप से तो युवाओं से करते थे कि इंडिया नहीं भारत बोलो, इसके पीछे एक रहस्य। जब हम भारत की बात करते हैं तो आचार्य महाराज कहते थे एक विशेष संस्कृति भी उसमें समाहित है। जब हम भारत की बात करेंगे तो एक
विशेष प्रकार की वह आहार पद्धति हो, उपचार पद्धति हो, विभिन्न विभिन्न भाषाएं हो, एक रहन सहन हो, ये सारा भारत बोलने से आ जाता है। लेकिन इंडिया बोलने पर ये सारी चीजें नहीं आती थी। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे, रुको रुको, लौट चलें इंडिया से भारत। तो गुरुजी का बहुत भाव रहता था कि भारत को भारत बनाना है। बंधुओं, हम हमारे पूर्वज गुलामी की उन जंजीरों में जकड़े रहे, देश आजाद तो हो गया, गुरुजी कहते थे देश आजाद तो हो गया लेकिन आत्मा आजाद नहीं हो पाई। मतलब शरीर हमारा आजाद देश में था लेकिन संस्कार हमारे वही थे जो इंडिया के रहने वाले लोगों के थे, जो उनके साथ संपर्क में हमारे साथ आते चले गए। तो गुरु जी का भाव था कि इंडिया नहीं भारत बोलो और हम सब भारत की ओर आगे बढ़े। तो जब जब कोई कोई आता था तो बस एक बात कहते थे कि भारत को भारत बनाना है, भारत जैसा विश्व गुरु था वैसा विश्व गुरु बनाना है। बंधु, 50 साल दीक्षा के, कितने साल उस दीक्षा के 50 साल में उनने भारत को नापा है नंगे पैरों से। सोच रहे हो उनके दिमाग में कैसी बात आई होगी कि मुझे भारत के लिए ये करना चाहिए। वो जब नंगे पैरों से चले तो उनने रोडों को नापा, सड़कों को नापा, गांवों को देखा, कस्बों को देखा, एक शासकीय विद्यालय में रुके। कोई व्यक्ति किसी प्रकार का निरीक्षण करता है विद्यालयों का तो एक आध दो घंटे जा करके घूम लेगा, नाश्ता पानी करके निकल आएगा, सेवाएं होती हैं शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन आचार्य महाराज जब रात भर उस कमरे में रुकते थे तो चिंतन चलता था कि भारत की शिक्षा पद्धति में क्या क्या अंतर आना चाहिए। और वो हमेशा कहते थे कि भारत की शिक्षा जैसे होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। और आपको पता होगा कि जब सन 2020 में भारतीय शिक्षा नीति लागू होने वाली थी बनी, तो उसके जो मुख्य थे कस्तूरी रंगन जी अपने पूरी टीम के साथ डोंगरगढ़ आए और आचार्य महाराज के पास उन्हें भेजने वाले थे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। उनने कहा कि शिक्षा नीति बन रही है भारत की, बहुत अच्छी बात है, आप कहीं मार्गदर्शन लेने जाओ ना जाओ, लेकिन राष्ट्र संत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के पास आना। और आपने उस शिक्षा नीति की फाइनल प्रति देखी होगी तो सलाहकार के रूप में आचार्य महाराज का नाम है, केवल बातों से नहीं। और उनने उनके द्वारा जो विचार प्रस्तुत किया वो विचार ये था कि जो प्राथमिक शिक्षा हो वो मातृभाषा में, किस भाषा में हो। बहुत पीड़ा रहती थी, जैसे भारत और इंडिया शब्द को लेकर के गुरुजी के अंदर पीड़ा रहती, उसी प्रकार से एक पीड़ा थी भाषा के ऊपर। वो पीड़ित थे। जब राष्ट्रपति जी रामटेक पधारे, दर्शन के लिए पधारे, तो उन्होंने कहा कि कुछ देशों का नाम लिया कि देखो वहां मातृभाषा का कितना महत्व है। और गुरुजी को सबसे ज्यादा पीड़ा थी कि जो न्याय मिलता है गांव में छोटे छोटे रहने वाले व्यक्ति को, शहरों में रहने वाले व्यक्ति को, वो जो न्याय मिलता वो उसकी भाषा में नहीं मिलता। कैसा देश है भाई, उसकी क्या गलती है, उसके पक्ष में क्या आया क्या नहीं आया, ये सब जो मिलना चाहिए वो उसकी भाषा में मिले। तब जब रामटेक से राष्ट्रपति जी गए तो आपने देखा होगा कुछ दिन बाद ये प्रस्ताव पास हुआ कि जो भी न्यायालय में जो भी अब आदेश निकलेंगे वो उस स्टेट की भाषा में निकलेंगे। तो हमारे गुरुजी हमें बहुत अच्छा दे करके गए हैं, भाषा देके गए, शिक्षा देके गए। गुरुजी ने हम सभी 25 भाइयों को, अब आप सोचो हम में से कुछ भाई आईआईटी पास आउट, आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट, हम बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने गए। किसका एंट्रेंस एग्जाम? एक टीचर जिसकी एंट्रेंस एग्जाम में ड्यूटी लगी थी वो पूछता है, भाई तुमने क्या किया है? तो वो कहता है मैंने आईआईटी पास आउट। कहते पागल हो गए क्या, आईआईटी का पास आउट आदमी और बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है? कितनी बात समझ में नहीं आई।
तो गुरुजी का भाव था कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करना है। गुरुजी कहते थे हमारा भारत शिक्षा के विशेष उद्देश्यों को लेकर चलता है। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति शिक्षा के विशेष उद्देश्यों को लेकर चलती है, किसी और देश की पद्धति उन उद्देश्यों को लेकर नहीं चल सकती। गुरुजी कहते थे शिक्षा का उद्देश्य स्वस्थ तन का निर्माण करना, तन मतलब शरीर। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य स्वस्थ मन का निर्माण करना, जो हमने पढ़ा है वो हमारे मन में आ जाए। शिक्षा का उद्देश्य स्वस्थ वचन का निर्माण करना, ठीक है, तन मन वचन स्वस्थ है। और चौथा उनने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य स्वस्थ वतन का निर्माण करना, वतन मतलब देश। और कहने लगे हो सकता है किसी देश में ये चारों उद्देश्य पूरे करते हो, हो सकता है किसी देश में ये चारों उद्देश्य पूरे करने हो, लेकिन उनने एक और उद्देश्य दिया कि शिक्षा का उद्देश्य स्वस्थ तन स्वस्थ वचन स्वस्थ मन स्वस्थ वतन और उससे ऊपर स्वस्थ चेतन का निर्माण करना, अपनी आत्मा को भी स्वस्थ बनाने का उद्देश्य शिक्षा पद्धति में होता है। समय बहुत है, बहुत हो चुका है, गुरुजी के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ होता है। एक अंतिम और एक और बिंदु पर आपसे परिचय कराना चाहूँगा। गुरुजी का उद्देश्य इस शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबन की शिक्षा, कि व्यक्ति बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठा है लेकिन बड़ी बड़ी डिग्रियां होने के बाद भी गाँव के व्यक्तियों के पास इतना सक्षम नहीं है कि वो उन डिग्रियों के माध्यम से अपनी आजीविका पूरी कर सके। इसलिए गुरुजी ने एक हथकरघा का आयोजन भी किया और हथकरघा के माध्यम से आप देखेंगे इस कुंडलपुर के आसपास के 200 गांवों में, कितने गांवों में, 200 गांवों में जो है घर घर में हथकरघा लगा हुआ है। ये भाइयों की कर्मठ और समर्पण का भाव है कि एक ट्रेनिंग लेकर के वो अपने गांव में रहता है, खेती किसानी भी करता है और साथ साथ क्या करता है कि इस हैंडलूम को इस हथकरघे को पूरा प्रबंध के रूप में करता है। और जब हथकरघा का ये चला सब जगह, तो एक बात गुरुजी कहते थे कि एक काम से सारे जो साधन है साध्य हो रहे हैं। जैसे कोई हथकरघा चलाता है तो उस हथकरघे चलाने से आप देखना, एक तो सात्विक रोजगार मिलेगा, बड़े बड़े आयोजन होते हैं नशा मुक्ति के लिए, लेकिन जितने लोग हथकरघे से जुड़े हुए हैं वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते। आप देख सकते हैं मंडला में एक ऐसा संप्रदाय था जो दारू बनाता था, सारे लोग बहुत प्रयास कर लिया कि इनके घर से दारू बनना बंद हो जाए, लेकिन हमारे शशांक भैया वहां रहे, उन्होंने घर घर में ऐसा एक जागृति फैलाई कि लोगों ने हथकरघा से कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। उनके घर में हथकरघा पहुंच गया और उनके घर से दारू बनाने की चीज अपने आप। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके माध्यम से हो सकती हैं। समय की सीमा है और अंतिम गुरुजी का जो एक मुख्य रूप से बिंदु रहा वो रहा चिकित्सा का, शिक्षा और चिकित्सा। चिकित्सा में आपने देखा होगा, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक किसी श्री वाई चंद्रचूड़ एक सुप्रीम कोर्ट के जज हुए हैं, उनका इंटरव्यू देखा तो उन्होंने कहा कि कोरोना के समय जब मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई तो प्रधानमंत्री जी का कॉल आया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं एक वैद्य का नाम बता रहा हूँ, वो वैद्य से संपर्क करके आप अपना इलाज कर लीजिए। और वैद्य थे जो श्री कोटेजा जी, जो वैद्य हैं जो गुरु जी के लिए बहुत समर्पित रहे और उनका सानिध्य उनको बहुत सारा मिलता रहा, तो उनकी उस उपचार के माध्यम से वो इतना स्वस्थ हो गए, उनका आयुर्वेद के प्रति इतना बड़ा श्रद्धान बन गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का परिसर है उस परिसर में एक आयुर्वेद का अलग से केंद्र उन्होंने स्थापित कर दिया। तो गुरु जी कहते थे कि जो हमारी प्राचीन पद्धति है चिकित्सा की, उस चिकित्सा पद्धति के ऊपर हमें कार्य करना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि जबलपुर में
पूर्णायु नाम की एक संस्था स्थापित हुई है जहां BAMS किया जाता है बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी। और गुरुजी की प्रेरणा इतनी अच्छी रही कि जैसे एक विनीता जैन बहन है जिसने 645 नंबर लाए, बहुत टॉप रैंक मानी जाती है, और एम्स में MBBS कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसे गुरुजी की प्रेरणा का पता चला उसने BAMS के लिए अपना प्रवेश किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में गुरुजी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बंधुओं, मैं बस इतना कहूँगा कि आप सभी युवा हैं, आप सभी इस समय का सदुपयोग करें और हम सब मिलकर के गुरु जी के जो सपने थे उन सपने को पूरा करेंगे। थोड़ा थोड़ा समय आप दे सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सब पूरा समय देते हैं यहाँ। आप अगर एक घंटा, आधा घंटा, गुरु जी ने श्रमदान इसलिए लिखा था कि सब थोड़ा थोड़ा समय अपने श्रम का दान करें। तो हम सभी मिलकर के गुरुवर के उन भावों को आगे बढ़ाएंगे, गुरुओं के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं मंगल भावों के साथ सभी को जय जय।